जी अस्सलाम वालेकुम। गुज्जर फार्मिंग लिंक में सब दोस्तों को वेलकम करते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लेंगे ताकि सबको दोस्तों को नई वीडियोस अपडेट्स जो मैं खुद कर रहा हूँ वो मिलती रहे। बाकी मेरे चैनल्स पे किकर फार्मिंग की मैंने सारी डिटेल दी हुई है ए से जेड तक। और आज हम हाई लैंडर का चिक्स हमने बुक करवा दिया है, वो 18 से 20 तारीख को आ जाएगा। उस पर वीडियो बना दूंगा मैं। ये आज 16 मई है 2020। ये इसलिए क्लोज़ किया हुआ है अंदर से रंग चूना और स्प्रे वगैरह करके, इसे हमने क्लोज़ किया कि जर्म्स का अटैक ना हो। जैसे ही चूज़ा आएगा, अगर रात को वेदर अच्छा ना हुआ तो ये ऐसे लगा रहेगा, अगर वेदर अच्छा हो मीन्स कि बारिश वाला मौसम ठंडा ना हुआ तो फिर हम ये जो पर्दे हैं ये हटा देंगे। अभी थोड़ी सी छत की लिपाई भी रहती है, वो भी साथ साथ जारी है। छोटा सा है, 3000 चूज़े का सेटअप है गोल्डन मिस्त्री का, इसी में मैंने काम किया था। अपडेट दी हुई सारी चैनल पे, क्या पाया क्या खोया, 16 दिन के चिक्स के बारे में मैंने सारी डिटेल दी हुई है चैनल पर, वहाँ पर जाके चेक कर लें। ये एक छोटा सा एक चिड़िया है, उसने यहाँ पर वो बनाया हुआ अपना ठिकाना, ब्लैक कलर की छोटी सी होती है वो कॉर्नर पे। उसके मैंने आज अंडे भी चेक किए हैं, मैं चले दोस्तों को शुगल मिला दिखा देते हैं। तो ये इसने अंडे दिए हैं, 6 अंडे दिए हुए हैं, ये मेरी नज़र में है। और सारा काम साथ साथ चलता रहता है, फिर तो ये उल्टे काम हम करते रहते हैं, चेकिंग वाला काम हम करते रहते हैं। एनीवे लेयर जो हाई लाइनर है उसका रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, एग प्रॉपर्स के और हाई लेनर और मीट पर्पस पे दोनों के लिए अच्छे हैं। ये एक डक के रखा हुआ है, जोड़ा रखा हुआ है, उसने बच्चे दिए हुए हैं 15-16, तो बाकी 5-6 अंडे रह गए हैं। और कुछ बच्चे असल में जो मेल डक है वो बच्चे मार देते हैं, तो कुछ हमने शिफ्ट कर दिए हैं अलग, कुछ और शिफ्ट कर देंगे कुछ दिन तक। ये एक स्टोर है हमारा और ये मारता भी है, मेल स्टोर है हमारा, वहाँ पे हमने रखे हुए थे, ब्रीडिंग करवाई थी इनकी। मैं चले कहा चलो दोस्तों को ये भी ज़रा साथ साथ देखते रहे। तो इसमें एक बच्चा आपको मरा हुआ नीचे नज़र आएगा जो मेल मार देता है, पता नहीं क्यों मार रहा है। एनीवे हाईलैंडर पे मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा, हाईलैंडर चिक्स जो मुर्गी की हैं उस पर मैं टॉपिक पर सारी बात करूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।